हमने आर्डर किया था कुछ दिन पहले इंडक्शन के कुछ बर्तन, जैसा कि आप देख पाएंगे बॉक्स के अंदर इंडक्शन के बर्तन हैं। इसमें टोटल 6 से 7 पीस बर्तन हैं। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा पैन, और ये यहाँ पर आपको कढ़ाई, तवा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ है। तो ये सब देखने के लिए आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, इसकी अनबॉक्सिंग कल हमने वीडियो पे की थी। तो इसमें हम यूज करने के लिए चम्मच मंगाए हैं क्योंकि इसमें स्क्रैच वगैरह ना आए। तो ये फ्लिपकार्ट की ओर से आ चुका है, जिसमें दे सकते हैं फ्लिपकार्ट की ओर से आज डिलीवरी हुआ है। और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। ये यहाँ पे कटिंग हो चुकी है और इसमें देखते हैं कितने पीस हैं। इसमें वुडन स्पून है, इसमें और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें देखते हैं पहले कितने पीस हैं। ये एक, इसकी पहले रबड़ निकाल लेते हैं और इसमें देखते हैं शायद हमारे ख्याल से 7 पीस होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, और ये बहुत हल्के भी हैं और इनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम किया गया है इस पर। इसमें इन बर्तनों से स्क्रैच नहीं आएगा, आसानी से हम इसमें चला सकते हैं। इसकी प्राइस 154 रुपीज़ थी, देख सकते हैं छन्नी भी है इसमें, इसे आप आसानी से इसमें पूरी वगैरह छान सकते हैं। ये थोड़ा हल्की भी है और टूटने वगैरह का डर भी रहेगा, इसको हम आसानी से यूज करेंगे। देखिए कलछुली है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारे प्यारे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड हम इनको यूज करके बताएंगे कुछ दिन बाद कि ये कैसे काम कर रहा है और अच्छा है कि नहीं है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड देखने में तो बहुत अच्छे बहुत प्यारे लग रहे हैं और ये 7 पीस है, इसमें कोई डिफेक्टिव पीस नहीं है, ये सब कुछ अच्छा पीस आया है। इसको फोल्ड करके हम पैक कर देते हैं। और हमने कल जब इंडक्शन मंगाया था तो इंडक्शन में जो ऊपर का प्लेट है ढकने के लिए, कढ़ाई ढकने के लिए, उसमें थोड़ा डिफेक्टिव पीस आ गया था मेरे पास, इस कारण से मुझको इसे ओपन करना पड़ा। देख सकते हैं आप, जैसा कि आपको मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ फिर से, देख सकते हैं कि ये जो स्टील का था ये सबसे ऊपर रखने के कारण ये यहाँ पे पूरा ये दब चुका है और यहाँ पे जगह जगह पे यहाँ पे आ चुका है स्क्रैच। और कुछ बर्तन भी हैं जिसमें सही ढंग से फ्रेम की कोटिंग नहीं की गई है। फ्रेंड हमारे द्वारा दिया गया वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।